दोस्तों नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सभी का द्वितीय चरण सहयोगात्मक अधिगम चरण में। और आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 3 के बारे में। जी हाँ, कार्यपत्रक 3। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में देखिए, आप ज्यामिति आकृतियों का संयोजन एवं माप में व्यक्त करना, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। नीचे 16 सेंटीमीटर परिमाप वाले अलग अलग आयत बनाओ और उन चित्रों को देखकर परिमाप व क्षेत्रफल के बारे में अपनी परिकल्पना बनाइए व लिखिए। अंत में अपने शब्दों में आयत के परिमाप व क्षेत्रफल के बारे में एक समग्र परिकल्पना लिखिए, ऐसा इसमें कहा गया है। अब दोस्तों इसमें सवाल दिया है कि हमको 16 सेंटीमीटर परिमाप वाले अलग अलग आयत बनाना है। तो देख लीजिए आप, 16 सेंटीमीटर परिमाप वाले अलग अलग आयत यहाँ पर बनाया गया है। किस प्रकार से बन सकता है, इतने प्रकार से अलग अलग भुजा वाले 16 सेंटीमीटर परिमाप के आयत हम बना सकते हैं। वर्ग भी एक आयत ही होता है, इसलिए यहां पर 4-4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम वर्ग भी कहते हैं। आइए अब एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, एक जो आयत है ये है, जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर के ऊपर वाली, नीचे वाली भी 6 सेंटीमीटर की है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 6 6 12 13 14 15 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हुआ। फिर यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो 6 2 12, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, 12 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये पहला वाला जो आया था उसका क्षेत्रफल होगा, जबकि परिमाप इसका 16 है। सभी भुजाओं के मान को जोड़ने पर 16 आता है। ठीक उसी प्रकार ये देखिए, एक और 16 सेंटीमीटर परिमाप का आयत बनेगा, जिसमें 5-5 सेंटीमीटर की लंबाई रहेगी और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 गुना 3 लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा, जबकि परिमाप इसका भी अभी भी 16 है। 5 5 10, 3 13 और 3 16। ठीक इसी प्रकार देखिए, एक और चित्र बनेगा इसी में, ये भी एक आयत ही है। चूंकि सभी जो भुजाएं हैं वो 4-4 सेंटीमीटर की है, इसलिए हम इसको वर्ग कहते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, इसलिए एक आयत है। यहाँ पर देखिए, 4 4 8, 4 12, 4 16, परिमाप 16 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल भी इसका 4 4 16 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से इसी कंडीशन में परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि जब सभी भुजाएं बराबर हों, यानी कि वो एक ऐसा आयत जो वर्ग हो, तभी उसका परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। नहीं तो यहाँ पर परिमाप अलग है, क्षेत्रफल अलग है, परिमाप अलग है यहाँ पर भी, यानी 16 है यहाँ पर, यहाँ पर भी 16 परिमाप है और क्षेत्रफल यहाँ पर 12 आ रहा है और 15 आ रहा है। ठीक इस प्रकार से एक स्थिति और आएगी, जब चौड़ाई 1 सेंटीमीटर का हो और लंबाई 7 सेंटीमीटर का हो, तो 7 7 14 15 16 यहाँ पर भी परिमाप 16 सेंटीमीटर है, लेकिन क्षेत्रफल इसका 7 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इन सभी आकृतियों में परिमाप जो है वो बराबर है, लेकिन क्षेत्रफल सभी में अलग अलग है। एक कंडीशन ऐसा आता है जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी परिमाप और क्षेत्रफल एक समान आता है। तो अब इन चित्रों को देखने के बाद, इसके परिमाप और क्षेत्रफल को निकालने के बाद, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या परिकल्पना कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम लंबाई, यहाँ पर देखिए लंबाई इसका बढ़ा हुआ है, लंबाई 7 है और चौड़ाई 1 है, तब क्षेत्रफल कम आता है, जबकि परिमाप इसका 16 ही है। लंबाई अधिक है, चौड़ाई जो है वो कम है, तब क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पर देखिए, लंबाई को 1 कम किए हैं और चौड़ाई को 1 बढ़ाए हैं, तब क्या आया है, क्षेत्रफल पहले के तुलना में ज़्यादा आया है। वहाँ पर 7 वर्ग सेंटीमीटर था, यहाँ पर 12 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक नीचे में देखिए आप, लंबाई को फिर थोड़ा कम किए हैं, चौड़ाई को फिर 1 बढ़ाए हैं, तो क्षेत्रफल फिर से हमारा पहले के तुलना में यहाँ पर ज़्यादा आया है, 15 वर्ग सेंटीमीटर आया है। फिर यहाँ पर देखिए, इस चित्र में लंबाई को फिर 1 कम किए हैं, चौड़ाई को फिर 1 बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्षेत्रफल जो है वो और पहले की तुलना में
ज्यादा आया है। अब आप देखिए लंबाई को कम कीजिए, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो वही वाली कंडीशन आ जाएगी जो यहाँ पर थी, फिर ये वाली कंडीशन आएगी और अंत में फिर वापस इस टाइप की कंडीशन आएगी, ये आकृति आपको खड़ी हुई दिखेगी। तो कुल मिला के देखते हैं कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है जब हम चौड़ाई को बढ़ाते हैं, लंबाई को कम करते हैं, तो क्षेत्रफल भी बढ़ते जाता है, लेकिन इसका परिमाप उतना ही रहता है, यह भी बच्चा परिकल्पना कर सकता है। इन चित्रों को देखने के बाद एक बात साफ हो गई कि जब लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कम हो, तो क्षेत्रफल कम आता है, और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों यहाँ पर बराबर होते हैं। आइए अन्य परिकल्पनाओं पर बात करते हैं। आयतों का परिमाप बराबर होने पर क्षेत्रफल भी बराबर हो जरूरी नहीं है। जैसा कि हमने पहले देखा, आयत के परिमाप सभी में 16 सेंटीमीटर है, लेकिन उसके क्षेत्रफल अलग अलग आए, किसी में 7, किसी में 12 वर्ग सेंटीमीटर, किसी में 15 वर्ग सेंटीमीटर, तो किसी में 16 वर्ग सेंटीमीटर आया। परिमाप बराबर क्षेत्रफल तभी होगा जब आयत की सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि वो आयत वर्ग होगा। तीसरा, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और क्षेत्रफल बराबर चौड़ाई गुणा लंबाई। ये हमारा समग्र परिकल्पना है जिस पर हम आकर अंतिम में ठहर जाते हैं, और इसी से हमारा सूत्र निगमित होता है। इसी कार्य को हम त्रिभुज के माध्यम से त्रिभुज के लिए भी कर सकते हैं। अन्य परिमाप को लेकर भी हम दोहरा सकते हैं और बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगा बताइएगा जरूर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे आप लोगों के लाइक से। और बस आज इतना ही, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।